हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ राकेश और आज हमारे साथ पीतोपाश जी है, जो मॉम के ट्रेलर के बारे में और मॉम के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उनके किरदार के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फिल्मी मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है पीतोपाश। थैंक यू। सबसे पहले ऑडियंस को अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का किरदार होने वाला है और क्या क्या उसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स आपकी तरफ से जो है इंक्लूड होने वाले। मतलब ये एक मतलब मॉम एक ऐसी फिल्म है, जैसे हम पिछली बार बेगम जान के बारे में बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी चीज़ आपको बताया था। मॉम के किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिल्म जो है थ्रिलर है और आपने अगर ट्रेलर देखा ही है, पहला ट्रेलर था, आप देखे कि एक मदर एंड डॉटर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी उस पर था। फिर जो दूसरा ट्रेलर अभी रिलीज हुआ थोड़े दिन पहले, आपको समझ में आया कि ओके देर इज़ समथिंग मोर एंड देर इज़ सम रिवेंज इज़ गोइंग ऑन। तो मैं इतना बोलूँगा कि मैं कुछ जैसे बेगम जान से बिल्कुल अलग, आई ट्राइड समथिंग इन अ डार्कर ग्रेयर एरिया यू नो दिस टाइम विच इज़ वेरी डिफरेंट, बट बहुत ज़्यादा खोलूँगा नहीं पत्ता, क्योंकि मतलब यू नो थ्रिलर फिल्म के जो अगर आप सारे कार्ड्स ओपन कर देंगे तो फिर मज़ा ही चला जाएगा। सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट यू नो पीपल्स फन एंड योर फन एज वेल। मतलब बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है अपने किरदार के साथ खास करके। बिल्कुल, मतलब इस तरह का काम मैंने पहले कभी किया नहीं है, बहुत अलग काम है और मुझे लगता है कि लोगों को एक दूसरा साइड देखने को मौका मिलेगा मेरा। तो जब पहली बार आपको इस रोल के बारे में या किरदार के बारे में बताया गया तो क्या रिएक्शन था और मतलब क्या स्पेशल है इस किरदार के अंदर और फिल्म के अंदर? मतलब पहले जब यू नो रवि जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे को बुलाया था नरेशन के लिए उनके राइटर गिरीश जी के साथ, तो उन्होंने नरेट किया, फिर उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट दिया। वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत चैलेंजिंग था एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट एंड एक्चुअली मेरे अंदर में ये था कि हाउ आई एम गोना पुल इट अप, लाइक मुझे कैसे करना है, क्या करना है बोल के। तो जहाँ मुझे चैलेंज दिखता है मैं वो रोल लेता हूँ और चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उसी में मज़ा है। होपफुली लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मैं करते हुए आई एंजॉयड द रोल। अगर हम मॉम की बात करें तो आपकी कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई मॉम करते हुए और माँ की कितनी याद आई आपको इस समय? अगर आप कोई मेमोरी शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस। बिल्कुल, मैं वो तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, बट आप जब फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कि मैं मुझे मम्मी की बिल्कुल याद आया होगा फिल्म देखते हुए। अच्छा। मतलब इस तरह का सरप्राइज होने वाले ऑडियंस। देखिए फिल्म तो मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं रोल के बारे में, बट हाँ सेकेंड ट्रेलर में आपको दिखा होगा चीज़ें कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारे किरदार फिल्म के आपको ट्रेलर में नहीं दिखाए जा रहे, नहीं खुल रहे, तो वो चीज़ मतलब रखा गया है ताकि आप फिल्म हॉल में जब जाएं आपको वो मौका मिले कि ओ अच्छा ये भी ऐसा भी है। अच्छा, इसके अलावा जो है श्रीदेवी जी बहुत टाइम के बाद आने वाली है, जो लास्ट में उनने इंग्लिश में इंग्लिश की थी, बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी, और इस बार जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है जिन्होंने अपने किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है और उनका जो लुक है बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो किस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि नवाजुद्दीन तो बहुत ही अच्छे एक्टर और श्रीदेवी अपने टाइम की एक बहुत बड़ी स्टार रही और अभी भी काम कर रही है इंडस्ट्री में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ काम करना? मतलब नवाज भाई तो मेरे फ्रेंड है, मतलब हम लोग आसपास रहते भी हैं एंड आई नो हिम फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 7-8 ईयर्स, जब से मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक कंफर्ट जोन है बिकॉज वी आर फ्रेंड्स यू नो इन रियल लाइफ एज वेल, लाइक यू नो, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और वो अच्छे एक्टर हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। तो वो मज़ा, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। बाकी श्री मैम, आई मीन लाइक यू नो वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग हर यू नो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एंड बट व्हाइल वॉकिंग इन दिस फिल्म आई सॉ द अदर साइड व्हाई शी इज there where she is, because you know it's a 300 film 50 saal Indian film industry mein 50 years se filmon mein kaam karne ke baad bhi aap set pe wo jo passion wo dedication and jo patience, like aap jante hain film making mein lighting samay leta hai, you know 40 minutes 35 minutes aap lighting ho raha hai ek shot ke liye, standing there holding her scene and you know just going again and again by herself, you know that dedication, it's I think it's inspiring and you know the younger actors like me
यू नो अदर एक्टर्स लाइक जो नए हैं, हाँ एंट्री कर रहे हैं, जो 7-8 साल से कर रहे हैं, 10 साल से करके स्टिल न्यू, ये सीखने वाली बात है कि आपको अगर 50 साल 60 साल तक भी ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देनी है और अच्छा काम करना है तो कितना डेडिकेशन और पेशेंस की जरूरत है। राइट, जैसे आपने कहा कि श्री मैम 50 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, इससे पहले आपने विद्या बालन जी के साथ काम किया था, दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है एज अ पर्सन? सी मैं इस फिल्मों में मेरे हर सीन में श्री मैम के साथ नहीं हूँ, राइट, तो मैं एवरी डे उनके साथ शूट नहीं किया है, थोड़ा, बट विद्या जी के साथ मैं ऑलमोस्ट यू नो 40 डेज एवरी डे वी शॉट, सो ऑफकोर्स पर्सनल लेवल पे मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, बिकॉज एवरी डे सुबह से शाम तक आप सेम एक साथ शूट कर रहे हो एवरी सीन, बिकॉज बेगम जान सीन ही फिल्म ऐसी है कि आप हर एक्टर हर दिन एक साथ है, तो यू नो जो कॉमन फैक्टर कोई भी जो सक्सेसफुल है टैलेंटेड है और जिनकी काम की आप देखते हो कि क्यों है वहाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दे आर स्टार्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बट एज ए पर्सन दे आर लाइक यू नो सुपरबली हार्ड वर्किंग सुपर टैलेंटेड पर्सन्स, सो दैट वॉज अमेजिंग। इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो आप फ्यूचर में किस तरह का किरदार प्ले करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई ड्रीम रोल है दिमाग में जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? यार हर जो बेहतरीन रोल मेरे सामने आए वो सारे मेरे ड्रीम रोल है, बिकॉज फॉर मी लाइफ में मैं आई जनरली टेक लाइफ एज वन स्टेप एट ए टाइम, फॉर मी मुझे ये लोग भी लोग कभी पूछते हैं कि आप 5 साल के बाद आपने आपको कहाँ देखना चाहते हो, यू नो व्हेन आई यू नो फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन माय प्लान वाज टू जॉइन ए फिल्म स्कूल, सो माय टारगेट नेक्स्ट स्टेप वाज टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ए फिल्म स्कूल, देन इन दैट 3 ईयर द टारगेट वाज टू लर्न द क्राफ्ट एंड पॉलिश माई सेल्फ एंड टू बी यू नो टू मेक माई सेल्फ what do you say ready to perform. अब उसके बाद जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो था कि एक रोल छोटा हो बड़ा हो एक फिल्म मुझे क्रैक करना है, तो मेरे लिए ड्रीम कैरेक्टर या 5 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखते हो, इट इज़ ऑलवेज लाइक बिकॉज आई पर्सनली थिंक एज एन आर्टिस्ट आई ओनली कम्पीट विथ माई सेल्फ, आई डोंट कम्पीट विथ एनी अदर एक्टर, द अदर एक्टर कम्पीट्स विथ हिमसेल्फ, because you know you always compete with your work, so for me one step at a time, like I always want my last film ka performances aur kaam logon ko jitna pasand aaya hai next film mein main ek step aur upar jaun aur behtar perform karu, so that is my whole and that's why every time there is an interesting and amazing role comes in, so that's my next dream role. Right, so jaate jaate agar hamari audience ko aap batana chahe aane wale koi upcoming project jo aap share karna chahe apne, abhi to mom hai 7th ko mom bilkul dekhiye bahut amazing film hai aur itne acche actor aur Shridevi bhi ma'am almost like 5 saal ke baad wapas aa rahe hai, main bhi hu to dekhiye aur uske baad ha phir august 10 mein meri ek international release hai, it's a french belgian co-production, then 2 more films hindi films will come this year and yeah towards end of the year there'll be a american sitcom series, so yeah so guys ye the pitobash hamare sath, you guys please like share subscribe filmi mantra, thank you.